इसे एक नए वीडियो में, और आज के इस वीडियो आपको सिखाने वाला कि WhatsApp में चैट को हाइड कैसे करें। अगर आप अपने WhatsApp का चैट है जो फ्रेंड्स किसी से छुपाना चाहते हैं वो कैसे छुपाते हैं, तो वही आज की इस वीडियो आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि WhatsApp में चैट को कैसे हाइड करते हैं। और गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपने WhatsApp चैट को किस कारण से हाइड कर रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहीं भी आपको बताते हैं पूरे डिटेल में कि WhatsApp चैट को कैसे हाइड करते हैं लोगों से। तो चलिए बताते हैं पूरे डिटेल में। सबसे पहले आपको यहाँ से अपने फ़ोन में WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। तो चलिए हम यहाँ से अपना WhatsApp को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं हमने अपने वहाँ से WhatsApp ओपन कर लिया। अब यहाँ से फ्रेंड्स आप कौन से चैट को हाइड करना चाहते हैं, उसको छुपाना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेना है। कैसे सिलेक्ट करना, जैसे मैं इसका चैट को छुपाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, तो इसको छुपाने के लिए क्या करना होगा, आपको इस तरह से अब उस पर क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद फ्रेंड्स अब जैसे क्लिक करके रखेंगे अब उसके ऊपर के साइड में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लॉक चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। लॉक चैट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉक चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको कीप द चैट लॉक इन एंड हाइडिंग, तो आपको इसको एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ से कंटिन्यू का एक ऑप्शन खुल के आएगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अपना फिंगर प्रिंट लगाने को बोल रहा है। मेरा स्क्रीन आपको ब्लैक दिखता होगा क्योंकि यहाँ से फिंगर प्रिंट पासवर्ड लगाने को बोल रहा है, तो आप यहाँ से अपना फिंगर प्रिंट को लगा देना। तो जैसे कि हम अपना फिंगर प्रिंट लगा दिए, लगा देने के बाद फिर जो है वो चैट मेरा हाइड हो चुका, वो चैट छुप चुका। तो अब उसको देखना कैसे, तो आपको अपने इस मोबाइल के स्क्रीन को इस तरह से नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से नीचे खींचना और आपको एक ऑप्शन आ जाएगा लॉकेट चैट, तो आप यहां से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से मेरा स्क्रीन आपको ब्लैक दिखता होगा क्योंकि यहां से अपना पासवर्ड लगाना है। तो मैं यहां से आपका जैसे ही अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका वहां से लॉक चैट जो है, लॉक चैट मतलब आपका लॉक हट जाएगा और आपको यहां से दिख सकते हैं, और यहां से अपना लॉक को आप यहां से अपना चैट को देख सकते हैं। ओके, इस तरह से देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसको पूरे तरीके से हाइड करने के लिए, मतलब पूरे तरीके से छुपाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप किसी को भी फोन किसी के दूसरे के हाथ में देंगे तो वो पता कर, आपको WhatsApp देखेगा तो आप यहाँ से देख सकता है वो कि आपने किसी का जो है चैट लॉक किया है, जो हाइड किया है। तो इसको आपको पूरे तरीके से हाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर से अपना यहाँ से फिंगरप्रिंट लगा देना है। लगा देने के बाद फिर अब आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर के साइड में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन खुलेगा। 3 डॉट के ऑप्शन पर आपको वहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चैट लॉक सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स। चैट लॉक सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपको यहां से हाइड लॉक चैट्स लिखा है, इसको आपको ऑन करना है। जैसे ही आपको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां से एक आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन आ रहा है हाइड योर चैट विथ स्क्रीन कोड। तो आपको यहाँ से एक कोड डालना है फ्रेंड्स, जो आपको याद रहे, प्राइवेसी कोड डालना। तो आपको देख सकते हैं आपको यहाँ से यूज माई कोड लिखा है, यहाँ से चेंज माई कोड। तो आपको यहाँ से हमको कोड आपको यहाँ से डाल लेना। ओके, तो आपको यहाँ से कोई ऐसा कोड डालना फ्रेंड्स जो आपको याद रहे। तो हम यहाँ से अपना एक कोड डाल लेते हैं, 4 डिजिट का कोड डालते हैं, 1234 डाल दिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको दोबारा उसको एक बार डाल देना है, 1234 हमने डाल दिया फ्रेंड्स यहाँ से, फोर डाल दिए। अब आपको जैसे ही डालेंगे उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दो बार आपको डालना है। डालने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे जो है फ्रेंड्स आपका जो है चैट एकदम पूरे तरीके से हाइड हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ से बैक आते हैं, इस तरह से बैक आते हैं। बैक आने के बाद जैसे ही आप अपने स्क्रीन को यहाँ से नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे तो वो लॉक जो चैट का ऑप्शन वो खुल के आएगा नहीं। अब उसे देखना कैसे फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना होगा, आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना होगा, जो अभी आप कोड डाले थे वो सेम यहाँ से वो कोड डालना है। तो जैसे हम से डाले थे 1234, जैसे आप 1234 मैंने 4 डाला तो वह देख सकते हैं लॉकेट चैट का ऑप्शन खुल के आ चुका है। तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो जो मेरा यहाँ से देख सकते हैं वो जिस जो भी मैंने चैट लॉक किया था वो सामने मेरा खुल के आ चुका है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से अपने चैट को हाइड कर सकते हैं, पूरे तरीके से छुपा सकते हैं गाइस। तो ये था सिंपल सा तरीका। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।